नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने नायब सैनिक को पहनाई पगड़ी। सीएम ने नायब सैनिक को सौंपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने संभाला पदभार। बाबा सरसाईनाथ के नाम पर होगा सिरसा का मेडिकल कॉलेज, मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा। जल्दी शुरू किया जाएगा निर्माण कार्य। सीएम मनोहर रन फॉर यूनिटी का करेंगे शुभारंभ। कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, पिंजौर में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त नायब सैनी ने आज रोहतक में अपना पदभार संभाल लिया है। सीएम मनोहर लाल ने पगड़ी पहनाकर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का दिल्ली बाईपास पर स्वागत किया गया। उनको कार्यकर्ता जुलूस के रूप में पार्टी कार्यालय तक लाया गया। इस दौरान रास्ते में जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। वे प्रशासन ने भी सभी तरह की तैयारियां की हुई थी। हरियाणा बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी आज रोहतक में पदभार संभालने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के रेडक्रॉस भवन में बनने वाले नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र की जमीन का निरीक्षण करने के दौरान उपायुक्त पार्थ गुप्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि नशा मुक्ति भवन का नक्शा इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उस पुनर्वास केंद्र का भविष्य में आसानी से विस्तार किया जा सके। इसके बाद सिरसा में बनाए जाने वाले मेडिकल कॉलेज की जमीन का निरीक्षण करते हुए कहा कि सिरसा बाबा सरसाईनाथ के नाम पर बसा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सिरसा बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा सरसाईनाथ के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की मंजूरी सरकार द्वारा दी जा चुकी है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ताकि आसपास के लोगों को और अधिक बेहतर सुविधाएं सुलभ हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य के हर नागरिक को उचित स्वास्थ्य लाभ मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिरसा के नशा मुक्ति सुधार गृह पहुंचकर सुधार गृह में भर्ती युवकों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ करेंगे जिसमें हजारों लोग हिस्सा लेंगे। कल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पिंजौर में प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जानकारी देते हुए पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्राइडेंट हिल्स में सुबह 7 बजे रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ करेंगे। करीब 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर तय करके इसकी DLF से होते हुए अमरावती स्कूल में जाकर सम्पन्न किया जाएगा और इसमें स्कूल के बच्चे, महिलाएं और अन्य लोग भी भारी संख्या में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद सभी को एक माला में इकट्ठा करना है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रदेश स्तर का कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा पिंजौर में किया जा रहा है। 31 तारीख को हमारे बहुत ही सबके सम्मानित और इस देश को एकता में पिरोने वाले ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म शताब्दी है और उनकी जयंती पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी हमारी कालका विधानसभा के पिंजौर क्षेत्र में आ रहे हैं और रन फॉर यूनिटी इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर पूरे प्रदेश के लिए वो यहाँ पर फ्लैग ऑफ करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और 31 तारीख को सुबह 7 बजे पिंजौर में हमारा जो अमरावती DLF और ट्राइडेंट वहाँ पर शुरुआत वहाँ ट्राइडेंट से करेंगे, फ्लैग ऑफ वहाँ पर दिखाएंगे और उसके साथ कम से कम 3.5 किलोमीटर के करीब ये हमारा रनवे का रास्ता रहने वाला है। DLF से होते हुए अमरावती स्कूल में वहाँ पर पहुँचने का रहेगा तो सुबह 7 बजे का समय रहेगा। तो एक तो आप सभी को वहाँ पर आने के लिए आमंत्रित करने के लिए सबको कि सब वहाँ पर पहुँचे, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे वहाँ पर और संख्या कम से कम हमारी 12 और 15 हज़ार के बीच रहने वाली है। पूरा हमारा क्षेत्र रहेगा, स्कूल के बच्चे भी रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, युवा रहेंगे, किसान रहेंगे, पूरे हमारे कालका विधानसभा के सभी जाति वर्ग सभी से हमारे आम आदमी सभी वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। तो सबको इस 31 तारीख को भव्य कार्यक्रम के लिए
जो पहला कार्यक्रम हमारी कालका विधानसभा में ऐसा आयोजित होगा जिसे मुख्यमंत्री जी खुद मुख्य अतिथि होंगे। यमुनानगर जिले में अश्विनी दत्ता के निवास स्थान पर मीडिया से बातचीत करते हुए बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि 4 साल से हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें चल रही हैं, आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई बदलाव होता है तो उसका संदेश राजभवन से आता है, यह मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। मैं भी कैबिनेट मंत्री हूँ लेकिन मुझे किसी बदलाव की जानकारी नहीं है। रंजीत सिंह चौटाला ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि हरियाणा में नेलो का वोट बैंक जेजेपी ले गई, जेजेपी अब राजस्थान और हरियाणा में भी घूम रही है। नेलो फिलहाल कहीं नहीं है लेकिन चुनाव आने पर जनता तय करेगी किसके साथ कितने मतदाता हैं। पिछले मंत्री ने बताया कि यमुनानगर में स्थापित होने वाले 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है, केंद्र से मंजूरी आ चुकी है, जमीन यमुनानगर में पहले ही मौजूद है और जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं फ्री बिजली के मुद्दे पर रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि यह लोगों को बहकाने वाली बात है। वहीं बिजली मंत्री ने कहा कि हरियाणा की जेल देश की सभी जेलों से बेहतर है। उन्होंने हरियाणा की जेलों को सबसे बेहतर बताते हुए रजिस्टर में लिखा था कि यहाँ पर घर जैसा माहौल नजर आता है। सोनीपत जिला कारागार अब एक बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ जेल में बंद कैदियों के 2 गुट नहाने के पानी के विवाद को लेकर आपस में भिड़ गए जिसमें कई कैदियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए सोनीपत के नागरिक अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद सभी कैदियों को दोबारा से जिला कारागार में बंद कर दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया और आगामी कार्रवाई गंभीरता से की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं किए जाने से सफाई कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। हर जगह सफाई कर्मचारी मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत कर रहे हैं। सोमवार को ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के वाइस चेयरमैन आजाद सिंह के निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आयोग का आभार प्रकट किया और मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। आयोग के वाइस चेयरमैन आजाद सिंह ने भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। करनाल जिला के लोग सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज आपके बीच में पहुंचे, आपके सामने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर पंचकुला में जो घोषणा की है, इनके उत्थान के लिए जो घोषणा की है, उससे खुश होकर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करने के लिए यहाँ आप लोगों के सामने पहुँचे हैं और इनमें बहुत खुशी का अवसर है। एक खुशी जाहिर कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तोहफा इनको दीपावली पर और हरियाणा दिवस के अवसर पर दिया है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कल इन लोगों का संदेश आया था, फ़ोन आया था कि जी हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, तो एक इनके दिल में एक मुख्यमंत्री जी के प्रति अलग से स्थान है। मुख्यमंत्री जी के पक्ष के साथ ये जुड़े हुए लोग हैं और उसी दिन से, जिस दिन ये घोषणा हुई थी उसी दिन से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के दिल में एक अलग से एक जगह बन गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि बिना मांगे बिना किसी उसके माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनका इतना ध्यान रखा है कि समारोह भी पंचकुला में था और समारोह भी कुछ और था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले घोषणा इनके पक्ष में की और इनके 1,000 रुपये प्रतिमास ग्रामीण और नगर पालिका कर्मचारियों को बढ़ाने के घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और 2,000 रुपये इंस्ट्रूमेंट के नाम के कसी तसला फावड़ा कोई चीज़ और लेने के लिए और 1,000 रुपये वर्दी भत्ते के तौर पर इनको देने की घोषणा करी है। अंबाला में आज आम आदमी पार्टी द्वारा 5वीं खड्डा यात्रा निकाली गई। यात्रा में आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सड़कों में बने गड्ढों में फूल डालकर प्रशासन को जगाने की कोशिश की गई। आप नेत्री चित्रा सरवारा ने बताया कि जनता की डिमांड पर आने वाले समय में कूड़ा यात्रा भी निकाली जाएगी। देखिए कराज इसके माध्यम से हम सदर बाजार के कुछ महत्वपूर्ण सड़कें और जो शकुलगंज अब आहता यहाँ पर है, इन सड़कों का हाल सबके आगे व्यक्त करेंगे। आज लोग खड्डा यात्रा के अलावा ये भी कह रहे हैं कि अब एक कूड़ा यात्रा भी अंबाला कैंट में निकालनी जरूरी है, एक भ्रष्टाचार यात्रा यहाँ पर निकालनी जरूरी है और एक पशु यात्रा, जो आवारा पशु गाय यात्रा सड़कों पर, यहाँ पर हमारा गौधन सड़कों पर इस तरह से घूम रहा है, रुड़ रहा है, इसके लिए भी एक यात्रा निकाली जाए। हम समझते हैं हमारी यात्रा ने सरकार को जगाने में बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। पहली यात्रा के बाद 44 करोड़ का रुपया आया, दूसरी यात्रा के बाद पैचवर्क शुरू हुआ, तीसरी यात्रा के बाद जिस सड़क से यात्रा निकाली वहीं पे सड़क बनने लग गई, पर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चौथी यात्रा तक आते तक
हमारे को पता चला सोशल मीडिया पर कुछ भाजपा के पदाधिकारियों ने धमकी लिखनी शुरू कर दी है जनता को कि जहां से पदयात्रा निकलेगी या सॉरी खड्डा यात्रा निकलेगी हम वो सड़क आखिर में बनाएंगे। तो उस वक्त तो सारे ये भी सोच रहे थे कि हम शास्त्री नगर की शास्त्री कॉलोनी की जो हमारे गृह मंत्री जी का गृह क्षेत्र है वहां की यात्रा निकाले, लेकिन उनकी धमकी के बाद पूरे अंबाला के साथियों ने कहा भी मंत्री जी की सड़क को हम बनने से ना रोके तो हम बाकी कहीं और पे यात्रा निकालेंगे, वहां नहीं निकालेंगे। आज पांचवी यात्रा के अंदर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर चले हैं, पूरे रास्ते में हमें आशा है हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे और जनता के जो है इस बात में जागरूक करेंगे। किस प्रकार के प्रभाव की उम्मीद जो है वो करते हैं इस यात्रा के बाद? देखिए हम आशा करते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार बंद करते हुए प्रॉपर प्लानिंग से जो ये हजारों करोड़ हमारी राशि जो एक सांझी राशि जनता की थी जिसको ये ले तो आए पर आज तक बता नहीं पा रहे कि लगाया कहाँ है, उस राशि को ठीक से इस्तेमाल करे, सड़कों पे पहले प्लानिंग के तहत काम हो, ड्रेनेज सीवरेज और उसके बाद सड़क बने, ये बार बार बनाने उधेड़ने की जो ये गंगा बहा रहे हैं ये भ्रष्टाचार यहाँ पर बंद कर दिया जाए। और अभी 5 करोड़ की एक नई मशीन आई थी उसके भी आते ही वो खराब होगी, उसको भी उठा के यहाँ से ले जा चुके हैं, तो साफ है कि अंबाला की सड़कों पर बड़ी से बड़ी मशीन आज फेल है, इसके बारे में सरकार को कुछ करना चाहिए। ठंड के आगाज के साथ हरियाणा सहित दिल्ली पंजाब राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण की स्थिति और खराब हो गई है। बता दें कि बीते दिन रविवार को देश में वायु प्रदूषण की सबसे खराब स्थिति हरियाणा की रही जहाँ कैथल देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। वहीं सोनीपत में AQI 367, जींद में 354, बहादुरगढ़ में 348, रोहतक में 316 और फरीदाबाद में 309 दर्ज किया गया। प्रदेश के 4 शहरों में ने तो राजधानी दिल्ली के AQI 325 को भी पीछे छोड़ दिया। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को दिल्ली समेत देश के 12 शहरों का AQI 300 पार पहुंचा। इनमें 6 शहर अकेले हरियाणा से हैं। मौसम में बदलाव और हवा की गति को कम होने और हवा में लगातार पराली का धुआं धुलने से दीपावली से पहले ही हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुँच गई है। रेवाड़ी रोहतक हाईवे संख्या 352 पर गांव रामगढ़ फ्लाईओवर पर यात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया। इस भीषण हादसे में बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलने के बाद 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बस में फंसे घायलों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बस राजस्थान के बहरोड से झज्जर की तरफ जा रही थी। टूरिस्ट बस में कुल 34 यात्री सवार थे जो बहरोड के प्रतापगढ़ गए थे। फिलहाल डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम घायलों का इलाज करने में जुटी हुई है। आज कांग्रेस द्वारा करनाल में सरकार की शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया गया और पुतला फूंककर रोष जताया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुरानी सब्जी मंडी में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी जाहिर की और प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता कमेटी चौक पर पहुंचे। पुतला फूंककर उन्होंने रोष प्रकट किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता और जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री खुशहाल हरियाणा का दावा कर रहे हैं जबकि 9 वर्षों में हरियाणा को बर्बाद करने का काम भाजपा ने किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। हम आपके माध्यम से, हम गांव के माध्यम से सवाल करना चाहते हैं कि 9 साल में भ्रष्टाचार, पंगु कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर बोले। बस ये सवाल है हमारा, 9 सालों में हरियाणा के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, ऐसे में यहाँ के क्या उपलब्धियाँ कहेंगे हमारे को बताया जाए। हम एक सवाल जिला कांग्रेस कमेटी की करार की तरफ से करते हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब में तरह ही तरह मची हुई है, ऐसे में करनाल में आकर क्या उपलब्धियाँ कहेंगे? आज केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का पुतला जलाएंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।